सामने आया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। अमित जी केवल बड़ा नहीं है, ये सच्चाई है। देखिए चाटुकारों की छोड़ दीजिए जो कांग्रेस पार्टी में है, वहां पे सूरज का अगर प्रकाश भी आएगा तो वो आंखें बंद कर लेंगे अगर राहुल गांधी कहेंगे अंधेरा है। अब याद करिए, एक माह पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने एक और बात कही थी, उन्होंने कहा था कोई बुझा हुआ चिराग श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को नहीं हरा सकता है, और ऐसा ही व्यक्ति हरा सकता है जिसमें ऊर्जा हो, और वो प्रियंका वाड्रा गांधी की बात कर रहे थे। अब खुले में उन्होंने कह दिया है कि राहुल गांधी दगा हुआ कारतूस है, ये वो रॉकेट है जो लॉन्च होता नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रियंका वाड्रा की बात करी है। और मैं इतना ही कहूंगा, ये तो पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है कि राहुल गांधी में क्षमता नहीं है, और आज कांग्रेस पार्टी ने भी स्वीकारा है कि राहुल गांधी में दमखम नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व दे सके। मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता गॉडसे और गांधी पे ज्ञान दे रहे थे, महात्मा गांधी जी की जो सीख है वो आचरण में आपने नहीं उतारी, केवल गांधी जी का नाम चुरा लिया, असली में तो आप गांधी है, गांधी GHANDY, आप गांधी क्यों बन गए नाम से। और गॉडसे की बात करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर देखिए, ये बाबूलाल चौरसिया की है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी की उपस्थिति में ये गॉडसे पूजन करता है, गॉडसे का भक्त है, उसको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवा देते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपने नाम रखा गांधी का, आचरण आपका है गॉडसे का, पूजनीय आपके लिए गॉडसे है, और आप राहुल गांधी के कमरे में चले जाइएगा अमित जी अगर कभी मौका लगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि राहुल गांधी भी गॉडसे की पूजा कर रहा हो। वारिस पठान उसका कोई लेना देना जी, नहीं। वारिस अगर लेना देना होता तो महात्मा गांधी जी का जो गांधी सरनेम है जो इतना पवित्र और पावन है उसको चुरा के अपना गांधी कैसे बना दिया, क्या देश को ये जानने का गौरव यू मेड योर पॉइंट, क्या ये हम पूछ नहीं सकते। वारिस पठान हाँ अमीश भाई, मैं सुन रहा था अमीश भाई, एक लाइटर वेन के अंदर कुछ बोलना चाहूंगा कि अभी जैसे कि एक प्रवक्ता कोई थे उठ के चले गए बोले बॉयकॉट कर रहे हैं, फर्ज करो कि अगर और सबने बॉयकॉट कर दिया तो क्या आप और गौरव भाटिया दोनों अकेले बैठ के चर्चा करेंगे, क्या डिशुम होगा, कौन किसकी तरफ से बोलेगा, गौरव भाटिया क्या बीजेपी की तरफ से बोलेंगे, आप सेक्युलर की तरफ से बोलेंगे, क्या करेंगे दोनों एक साथ बैठ के गालियां देंगे, थोड़ा सा सुधर जाना चाहिए, मेरा सिर्फ इतना बोला थोड़ा सुधर जाना चाहिए। अब बात नंबर दो, ये इंपॉर्टेंट बात ये है, हमने तो तब भी बॉयकॉट नहीं किया, अपनी विचारधारा की ताकत से हराया। देखो गौरव भाई, हाँ अमीश भाई सुनिए, ये सुन रहा था मैं सबकी बात, तो ऐसा लग रहा है पूरे देश के अंदर कौन बड़ा हिंदू उसकी होड़ लगी है। देखिए बीजेपी तो सबको पता है वो तो हिंदुत्व के रास्ते पे चल रही है, मगर यहाँ भी तो देखिए ना, एक सेकंड गौरव वारिस पठान को बोलने दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले, लेट हिम मेक हिज पॉइंट जी। तो अगर सब इनकी बात करेंगे तो हमारी आवाज कौन उठाएगा, कौन खड़ा रहेगा वारिस पठान के लिए अमीश भाई, और हम जब बात करते हैं माइनॉरिटी की, हम जब बात करते हैं मुसलमान दलित भाइयों की, तो हम पे ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी इल्जाम क्यों लगाती है फिर जी। आप बोलिए ना, चलिए आप बोलिए कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है जी। आप डिफाई करिए कमलनाथ को, आप बोलिए कि कमलनाथ ने जो कहा रॉन्ग था, मगर क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी खामोश है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोज खामोशी के साथ चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं, वहां दिग्विजय सिंह अनाप शरण बकरे पहले बोल रहे थे बजरंग दल को बैंड कर देंगे, उसके बाद दिग्विजय सिंह बोलने लगे बजरंग दल में अच्छे लोग हैं, अरे कौन अच्छा है, मोनू मनेसर अच्छा है बजरंग दल का, बिट्टू बजरंगी अच्छा है बजरंग दल का, क्यों आप नहीं पकड़ते मोनू मनेसर को, गहलोत सरकार नासिर जुनेद की हत्या कर जाती है जला दिया जाता है तो उनके घर वालों को 5-5 लाख रुपया इनाम, लेकिन आप काली कांग्रेस को कोस रहे हैं, यहाँ सुनील यादव भी, सुनील यादव भी वासुदेव कृष्ण का पोस्टर लगाकर पीछे खड़े हैं और कह रहे हैं भगवान राम के साथ तो हमें है ही, वही तो बोल रहा हूं, यही तो सब दुनिया देख रही है, अरे तो मुसलमानों ने आपको रिकॉर्ड तोड़ वोट दिए समाजवादी को इस बार यूपी में, क्या कर रहे हो आप, आजम खान बिचारे कहां है, उनका तो पुरसा ने हाल ही आपने छोड़ दिया,
आपके बेचारे एमएलए को स्टेजों से उतार दिया जाता है, चलो हटो, मगर वोट लेकर ऐसा क्यों करना? क्यों खामोश बैठे? चलिए नूपे अखिलेश यादव ने क्या बोला, चलिए बताइए मेरे को, एक भी मर्तबा कंडेमनेशन को मार दिया गया लव जिहाद के नाम के ऊपर? ये वारिस पठान का आरोप है कि आपको वोट चाहिए मुसलमान का, और मुसलमान को आपको सम्मानित नहीं करना, उनके मुद्दे नहीं उठाने, आपको वोट उनका चाहिए जी। देखिए अमीश भाई, मैं केवल एक मिनट लूंगा, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मैं सुभराष्टा जी को सुन रहा था, वारिस पठान की बात का जवाब दूंगा, पॉइंटेड जवाब वारिस पठान की बात। आपने अच्छी बात कही कि भगवान राम न्यायप्रिय थे, राजधर्म को मानते थे, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री ना राजधर्म को मानते हैं ना न्यायप्रिय है, न्यायप्रिय होते हैं तो देश वारिस कुछ कह रहे तिरंगे के लिए नहीं दे सकते हैं जवाब, मिल जाता मणिपुर की सुनील यादव वारिस पठान की बात का जवाब तक नहीं, पहले बात गोडसे के बारे में क्या क्या क्लाइम रहे, ये गोडसे आजाद भारत का पहला आतंकी था, अब जहां तक सवाल हिंदू और मुसलमान का है या सोशलिस्ट का है, अब सुन लीजिए, अरे 30 सेकंड की और बात है, आप देखिए ये जो ओवैसी साहब के प्रवक्ता, मैं इनसे ये कहूंगा इस चक्कर मत पड़िए कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, हिंदू का विरोधी असली कौन है, आप जानते हैं हिंदू विरोधी असली कौन है, बीजेपी हिंदू की बात करती है, लेकिन बीजेपी ओबीसी के खिलाफ है, बीजेपी एससी के खिलाफ है, बीजेपी एसटी के खिलाफ है, हम कह रहे अगर 100 हिंदू हैं उन 100 में से आप ओबीसी निकाल दो, एससी निकाल दो, एसटी निकाल दो, कि आपको मुसलमान का वोट चाहिए लेकिन हिंदुओं की बात को नहीं रखते, क्यों नहीं रखते? हम सबकी बात करते हैं, हम समाजवादी लोग हैं, जाति धर्म मजहब नहीं मानते, और अगर हमारा धर्म हिंदू है, हम हिंदू हैं, हमारी भगवान राम पर कृष्ण पर या हनुमान पर आस्था है, तो ये निजी है, ये राजनीति नहीं है, मार दिया घर उजाड़ दिया, राजनीति नहीं करते जी जी। सुनील 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 गौरव भाटिया, ये जूता जो चला है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर, आरोप है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कांड करवाया है ये, हालांकि कार्यक्रम ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ही था जहां पर जूता चला है। हाँ हाँ, मैंने बड़े ध्यान से सुना और मन में ये सवाल भी आए, ये वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जब बसपा में होते थे तब भी और जब सपा में है तब भी भगवान राम को गाली देते थे, एक नारा इनका था जब सपा बसपा साथ आई थी, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए डैश डैश डैश। अब बताइए किसी भगवान के लिए ऐसे अपशब्द कहना कुछ वोटों के लिए, और है क्या ना, चुनावी मौसम ऑन है, चुनावी